स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो हम लोग पढ़ने हैं वो मेंडलिफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में ये नहीं है, लेकिन कुछ कुछ थ्योरेटिकल चीज है वो हम बताते जाएंगे, उसको करते जाना है कैसे क्या करना है। तो मेंडलिफ्स के बारे में खास बात ये है ना कि सबसे बड़ा गलती तो ये भी बेचारा कर दिया था स्टार्टिंग में। क्या ये सबसे बड़ा गलती क्या था कि ये भी अरेंज किया था ये जो जो एलिट्स है उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये भी क्या किया था, कैसे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से था। तो मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल का ये वाला पॉइंट जो ब्लैक वाला डार्क किया हुआ है, ये आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है, कि इसने क्या किया था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स विल बी सिमिलर प्रॉपर्टी अगर टू द रेगुलर इंटरवल। यानी कि कहने का मतलब ये था कि इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे तो किया था, लेकिन एटॉमिक मास के बेसिस के बावजूद भी कुछ दूरी के बाद, कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखा जाए कि प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उससे मिल रहे थे, जैसे इसने सजा के रखा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यानी सर्टेन इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, लेकिन सारी की नहीं, कुछ की। और ये मेंडलिफ्स आया 1869 में, ठीक है। और बेसिकली ये क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये किस बेसिस पे था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे था। यानी कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स के बाद यदि हम उसको अगेन फिर वहां से हम उसको सजा देते हैं तो कुछ तरीके से काम आएगा आपका, यस, उसका प्रॉपर्टी जो है मैच करता है। खास बात यह है कि मेंडलिफ्स के समय उस समय एलिमेंट्स नोन थे 63 एलिमेंट्स नोन, ठीक है। मेंडलिफ्स के समय उस समय कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट नोन थे। और बड़ा ही बेहतरीन मेंडलिफ्स का एक तरह से तुमको बता दें हम कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक तरह से मेंडलिफ्स का ही वो बेस बना करके गया, ठीक है। मेंडलिफ्स के ही बेस को उठा करके फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यूज किया गया है। अब ये समझे क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि मेंडलिफ्स ने क्या किया था कि दो अलग अलग, मतलब उसको एक 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 किस तरीके से बनाया था, एक चार्ट के फॉर्म में तैयार किया था मेंडलिफ्स, ठीक है। जिसमें क्या रखा था, जिसमें उसने एक हॉरिजेंटल रो जिसको सेवन पीरियड्स जिसके नाम से आज भी हम लोग जानते हैं, तो मेंडलिफ्स ने वो स्टार्ट किया था जिसमें सेवन पीरियड्स थे, ठीक है, जिसको पीरियड कहा गया हॉरिजेंटल रो में, और एट ग्रुप था वर्टिकल, एट ग्रुप वर्टिकल था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे, म्यूट रखो जी, जो भी है म्यूट रखना, ठीक है, नहीं तो परेशान हो। क्या बोले हम कि एट ग्रुप उसने रखा था। अभी अपने पास कितने ग्रुप, 18 ग्रुप है, लेकिन उसने क्या बोला था, एट ग्रुप केवल रखा, ठीक है। और एट ग्रुप कैसा था, वर्टिकल कॉलम था, ठीक है, इन ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलिफ्स, मेंडलिफ्स का जो ओरिजिनल टेबल है उसमें। और खास बात है कि उस समय नोबल गैस तो था नहीं, ठीक है, उस समय नोबल गैस नहीं था। अब नोबल गैस नहीं था तो मेंडलिफ्स ने उसके लिए जगह ही नहीं थी, लेकिन उसी में ही मेंडलिफ्स में ही एक रामसे नाम के साइंटिस्ट थे, इसमें शायद नहीं मेंशन है आपका, लेकिन रामसे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीरो ग्रुप का भी डिस्कवरी किया था उसी समय, ठीक है। और वो भी ऐड गया था इसी में मेंडलिफ्स वाले में, हालांकि मेंडलिफ्स वाले में वो नहीं है, लेकिन रामसे आ गए थे। यानी कि जब अपने को मेंडलिफ्स से वाले पीरियोडिक टेबल के बारे में अपने को बात, म्यूट करो जी, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो थोड़ा सा, हाँ। तो क्या बोले कि जब अपने को मेंडलिफ्स को, अभी भी देखो किसी का नहीं म्यूट हुआ, हमको चेक करना पड़ेगा, म्यूट है, म्यूट करो जिसका, देखो एक बार अच्छे से किसका म्यूट नहीं है, हाँ। तो हम क्या बोले कि बेसिकली जब अपने को क्या करना पड़ेगा, जब अपने को मेंडलिफ्स को रिलेट करना पड़ेगा, पीरियड्स हुए, ठीक है, कितने ग्रुप हुए, तो इसने कितने ग्रुप किए बताओ जी, अभी तुरंत बताएं, बोलो, एट ग्रुप किया, ठीक है, एट कितने ग्रुप ग्रुप्स, किए, हाँ एट ग्रुप किए। एट ग्रुप, अब बात को समझना कि अच्छा, और चीजों को हम बताते हैं, एट ग्रुप किया, उसके बाद
इसने क्या किया, वी विल नाउ डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स, दो मेन फीचर्स था प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्ट क्लास का। पहला तो गैप इन द प्रेडिक्टेबल, ठीक है, गैप इन द प्रेडिक्टेबल। उसने आवाज सुनाई दे रहा है क्या, अभी हम जो भी बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है ना क्लियर? हेलो हेलो, यस सर, बीच में कोई कटा नहीं ना था आवाज, बीच में कोई मेरा आवाज कटा नहीं ना था, मेरा कंटिन्यू आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? कुछ देर के लिए आपका आवाज नहीं आ रहा कटा था। अच्छा अच्छा समझ गए, एक सेकंड, ये ब्लूटूथ वाला का ये प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुको हेडफोन लगाना। अब आ रहा होगा, आ रहा है ना अब? यस सर। हाँ सर, ठीक है। चल तो क्या बोले हम कि उस समय एक रामसे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीरोथ ग्रुप का भी डिस्कवरी किया था, ये भी ध्यान में रखना, जीरोथ ग्रुप का किया था। और कुछ कुछ हम एक्स्ट्रा चीज जो बताए ना उसको नोट कर लेना, ठीक है, नोटबुक रखना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताए तो उसको भी नोट कर लेना है। तो इसका बेसिकली क्या बोला कि इसका दो दो जो डिस्क्राइब मेन फीचर जो था मेंडलिब्स का वो इस प्रकार से है। पहला क्या बोले कि उसने गैप रखा था प्रेडिक्टेबल में, उसने कुछ गैप रखा था, गैप इसलिए रखा था ताकि जो फ्यूचर में आने वाले जो एलिमेंट्स है उसका वहां पे जगह हम पहले से फिक्स करके रखा था, ये बड़ा चालाकी वाला काम किया था, ठीक है, पहला चीज। और उसके बाद रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, बेसिकली कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, ऐसा इसने किया था, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा और मेंडलिब्स की ओर हम नीचे जाते हैं, ठीक है, देखो अब क्या हुआ था यहाँ सर, प्लीज रिपीट दैट जीरो ग्रुप सेंटेंस। हाँ, क्या बोले हम? नेम ऑफ साइंस, रामसे, RAMSE, रामसे नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। तो रामसे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीरोथ ऑर्डर का डिस्कवरी किया था, ठीक। खास साथ ही साथ इसका ये भी खास बात है कि जो एट थे, ठीक है, जो एट थे उसमें वन से लेकर के सेवन को जो आपका ये था, आपका क्या बोलते हैं, जो ग्रुप था, ग्रुप कैसा इसी तरीके से हम लोग जाएगा और क्या जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके आपका जाएगा, तो 8 तक था। तो 8 तक में जो 7 तक जो था ना उसको दो ग्रुप में सब डिवाइड इन्होंने किया था, ठीक है, दो ग्रुप में सब डिवाइड इन्होंने किया था। पहले वाले को रखा ग्रुप ए और दूसरे वाले का नाम क्या रखा, ग्रुप बी, ठीक है। पहले वाले में क्या रखा, ग्रुप ए, और दूसरे वाले में क्या रखा, ग्रुप बी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहले वाले ग्रुप में यानी कि ग्रुप ए में क्लियर हो रहा है क्या, जो वन से लेकर के सेवन तक जो था, एट तक टोटल था, इसमें से वन से लेकर के सेवन तक को हरेक को दो डिवाइड, दो ग्रुप में उसको बांट दिया, यानी कि पहला वाला जो ग्रुप है उसको दो में बांटा, ए और एक बी, ठीक है। दूसरा वाला है, दूसरा को भी बांटा ए और बी, तीसरे वाले को भी बांटा ए और बी, चौथे वाले को भी बांटा ए और बी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा सा, हमको एक मिनट और टाइम दीजिए। देखिए अभी बताते हैं।
देखे यहाँ जैसे कि हम क्या बोले कि कौन ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका था ये पूरा, ठीक है। नजर आया कुछ अलग आ रहा है क्या ये वाला पार्ट नजर सबको? हाँ सर, हाँ सर। तो ये वाला उन्होंने क्या किया था वन, ठीक है। और उसके खास बात ये जो लिखा हुआ था ना वो रोमन में था, ठीक है। ये वन, ठीक है, ये वाला हो गया आपका टू, ठीक, ये वाला आपका हो जाएगा थ्री, ठीक, ये वाला हो जाएगा आपका फोर, ये हो जाएगा आपका फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिक्स, ये हो जाएगा आपका सेवन, ठीक है, सेवन, और ये कौन सा हो जाएगा आपका एट, ठीक है। और यहीं पे एक जीरो ग्रुप था जो जिसका डिस्कवरी किसने किया था, रामसेन, ठीक है, रामसेन ने डिस्कवरी किया था, जिसको बाद में नोबल गैस के लिए यूज किया गया। समझ में आया? जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 18th वाला ग्रुप है ना वो यही जीरो रामसेन जो देने वाले थे उन्हीं के लिए ये वाला एक तरह से उसी को रिलेट किया गया, ठीक है, बाद में, ठीक है, लेटर यूज यूज फॉर नोबेल गैस, ठीक है। अब ये क्या किया कि यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इन्होंने क्या किया दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, ठीक है, पहले को कहें ए और दूसरे को कहें बी, ठीक। और ए जो था वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, अभी के अनुसार, अभी के अनुसार हम इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए वाले में किसको रखा था, जिसको हम लोग कहे थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, समझ में आया। और बी वाले में जो थे वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको क्या कहा गया था, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ये एस है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये और ये ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ में आया। तो ये उन्होंने उसी समय कर रखा था ये, ठीक है, आपके यहाँ पे पता नहीं इस बुक में दिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि ए और बी में क्या किया था, सब डिवाइड, जिसमें ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से था, और बी में क्या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो आपका देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यदि हम फिर से आ जाएं, ठीक है, फिर से आ जाएं, ये सभी ने लिख लिया क्या? हाँ सर, यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं फिर से, अब क्या उसने यहाँ पे ये भी बोला है, इन ऑर्डर टू श्योर दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इन सेम वर्टिकल कॉलम, मेंडलिफ लेफ्ट सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल, हाँ कुछ गैप्स तो छोड़ा था उन्होंने। और दूसरी बात है कि कैसा किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इस बेसिस पे किया था, ठीक है, ग्रुपिंग टूगेदर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में रखा था। ये सब जो हम लाइन बोल रहे हैं इस पॉइंट में से, वो आपको पेंसिल निकाल करके उसको अंडरलाइन करना है और वो अपने नोट्स में शामिल करना है, ठीक है। आगे यदि हम जाते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसका, ठीक है, मेंडलिफ्स का पूरा जो है ये, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसने क्या किया था, ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप जो जीरो से लेकर के एट तक था, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें इसने थोड़ा सा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को भी इसने इंट्रोड्यूस किया था उस समय, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑक्साइड वाला पार्ट और ये रहा कौन सा, हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट, ठीक।
जिसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो बनेगा दैट इज ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड. तो सर हाइड्राइड ना? हाँ हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ जो बनेगा वो हाइड्राइड, ऑक्सीजन के साथ बनेगा वो ऑक्साइड. ठीक है, तो अब देखेंगे ये तो हाइड्राइड ऑक्साइड हो गया. अब यहाँ पे देखो ये अपना क्या हो गया पीरियड, दैट इज कौन कौन सा, वन से लेकर के कहाँ तक, नीचे सेवन तक जाएगा. ठीक है, सेवन तक जाएगा, इसके नीचे भी. और ये वाला क्या हो जाएगा आपका ग्रुप, जो कि अभी बता चुके हैं हम, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, एट तक. ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया था, हम क्या बोले कि वन से लेकर के एट तक को इसमें डिवाइड किया था वन और टू ग्रुप में, वन और सॉरी ए और बी में. और वो ए और बी बेसिकली क्या था, एक ए था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें ग्रुप सॉरी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं. और जो आपका ये रहेगा बी रहेगा उसमें कौन सा एलिमेंट्स रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें आपका रहता है. बात समझ में आया? ठीक, अब देखो जरा सा तरीके सा काम है, बात है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब इस पीरियोडिक टेबल को समझना है कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, खास चीज एकदम देखते चलेंगे ये किस तरीके से काम चल रहा है. यहाँ पे देखेंगे ये लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नोबल गैस आया नहीं था उस समय. उसके बाद सोडियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस क्लोरीन, ठीक है, ये देख लेंगे. उसके बाद यहाँ पे जैसे आएंगे तो फिर ये पोटासियम कैल्शियम, ये था नहीं, इसने खाली जगह छोड़े हुए हैं. ठीक है, ये था नहीं खाली जगह है, ये था नहीं खाली जगह है, ये था नहीं खाली जगह है. ठीक है, तो उसके बाद ये चीज आप देखेंगे कि यहाँ देखिए कॉपर आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, कॉपर जिंक, ठीक है, ये वाला, ये वाला यहाँ तक सेलेनियम, ये तो पी ब्लॉक में चला जाएगा इधर. तो कॉपर और जिंक बेसिकली किस में आ जाएगा, डी ब्लॉक में आ जाता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर से यदि हम आ जाएंगे ये वाला Ag, Cd, ठीक है, ये भी किस में चला जाएगा, फिर डी ब्लॉक में चला जाएगा. तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने में ये वाला, उसके बाद ये वाला जो एट्थ वाला जो ग्रुप था ना, हम इसमें क्या बोले कि ए और बी में बांटा था. ठीक है, किस में बांटा था, ए और बी में, ए में किसको रखा था आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें रहे थे बेसिकली, और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या रहा था, डी ब्लॉक का एलिमेंट. और जो ग्रुप नंबर एट था, ठीक है, ग्रुप नंबर जो एट था उसमें कंप्लीट जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें थे. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, तो एट वाले में, ठीक है, एट वाले में देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये एट, इसमें क्या नजर आ रहा है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, अभी क्या नजर आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट. खास बात यही है कि उसने कुछ जगह छोड़े थे, और जगह छोड़े थे ताकि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स आए, और यही इसका एक तरह से मेरिट भी था. ठीक है, मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल का ये एक प्रकार से क्या था, मेरिट्स था, ये किस तरीके से जो एलिमेंट्स है उनके स्पेस को क्या किया था, इसने छोड़ रखा था. ठीक है, तो नोटबुक में आपको ये वाला भी पीरियोडिक टेबल बनाना है, ध्यान में रखें ये वाला भी पीरियोडिक टेबल बनाना है, और इसको ये करना है. ठीक है, लिखना है. और जिस तरीके से ये आर्सेनिक है, सबसे पहले तो घर में एक जो है ना वो पीरियोडिक टेबल खरीद के लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है. ठीक है, और क्या है एक्चुअल में ये क्या क्या है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं. अरे बोलो कोई. हाँ सर. हाँ सर. हाँ, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले एक एक घर में एकदम होना ही चाहिए. अब यहाँ तक बताओ, क्या मेंडलिफ्स वाले में कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा है. बताओ जल्दी से. तुम्हारे पास भी बुक है कोई वैसा पॉइंट जो मेंडलिफ्स का, मतलब अभी तक ये वाला पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट आया है, तो अभी तक में जो पॉइंट ना समझ में आया हो वो पूछो. पीरियोडिक टेबल इसका नहीं समझ में आया, या फिर ये देखो ये एच जी हो गया, ए यू हो गया, ये देख रहे हो ये वाला, ये भी किस में है, ये सब डी ब्लॉक का है. ठीक है, ये भी, ये सब पी ब्लॉक का है, आई एन एस एन एस बी टी आई, ये पी ब्लॉक के. ठीक है, लेकिन हाँ ये देखो ये ट्रियम जर्केनियम ये सब किसके हैं, ये सारे आ जाएंगे आपका डी ब्लॉक के. ठीक है, ये ध्यान रखना. ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एस ब्लॉक के, रूबिडियम और स्ट्रॉन्सियम, याद है ये एस का आ गया. हाँ बोलो. हेलो, कोई बोल रहा था अभी तो.
हेलो। फिर से देखो, हम इसको बताते हैं, ये वाला पार्ट किस में आ गया? ये आ गया एस का, ठीक है। ये किस में आ गया? ये आ गया डी का, ठीक। इधर देखो, ये तो खाली है। ये वाला देखो, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये पूरा का पूरा किस में आया? डी का। लेकिन ये किस में आ गया पूरा? पी का, ठीक है। पी का आर्सेनिक होता है ना, आर्सेनिक, ब्रोमीन, ये सब किस में है? पूरा पी में है। उसके बाद ये देखोगे, ये YZR NBMOTC, ये पूरा का पूरा आ जाएगा डी में। लेकिन ये INSNSBTI, ये पूरा आ जाएगा पी में, ठीक। ये CS और BA किस में आ जाएगा? सीजियम और बेरियम एस में आ जाएगा। और ये वाला किस में आ जाएगा? AUHG किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से ये जो है ए और बी में जो हम कह रहे थे वो बताया हुआ था। और ये वाला, इसमें तीन एलिमेंट्स के पेयरिंग, तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो रखा गया था। और ये सब का सब किसका था? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। बोलो जी, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कोई दिक्कत रहे तो। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने क्या किया था कि जो अननोन एलिमेंट्स हैं उसमें क्या रखा था? गैप रखा था। अब खास बात यह है कि उसका नाम क्या रखा था मेंडलिफ्स ने? तो एक नाम रखा था एक्का बोरोन, अलग अलग नाम है, एक्का बोरोन, एक्का एल्मुनियम, ठीक है, एक्का सिलिकॉन, ठीक। और एक्का जो नेम है वो क्या रखा था? प्रिसीडिंग एलिमेंट सेम ग्रुप, ठीक है। और एक्का टर्म जो है वो डेराइव कहाँ से हुआ है? संस्कृत से, ठीक है। कहाँ से डेराइव हुआ है? संस्कृत से। और इसका मतलब होता फर्स्ट, मतलब पहला, ठीक है, फर्स्ट। तो एक्का बोरोन का मतलब होता फर्स्ट कम्स बोरोन, ठीक है, फर्स्ट कम्स बोरोन एंड देन अननोन एलिमेंट, यानी कि पहले ऊपर में कौन रहेगा? बोरोन। और जस्ट उसके बाद फिर कौन आएगा? आपका जो अननोन एलिमेंट है वो वाला। एक्का सिलिकॉन का मतलब क्या हो गया? कि एक्का सिलिकॉन पहले और बाद वाला जो एलिमेंट आएगा अननोन एलिमेंट वो बाद में, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स वे डिस्कवर लेटर ऑन, एक्का बोरोन, तो एक्का बोरोन जो था, यानी कि अगला जो उसका ये आया, कोई म्यूट करो जी, किसी का ओपन है। एक्का बोरोन जो है वो किस नाम से जाना गया? स्कैंडियम, ठीक है। एक्का बोरोन किस नाम से जाना गया? स्कैंडियम के नाम से जाना गया। एक्का एल्मुनियम किस नाम से जाना गया? मतलब इसके बाद में जो आया, एक्का गैलियम के नाम से जाना गया, ठीक है। एक्का सिलिकॉन किस नाम से जाना गया? एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से जाना गया। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये था आपका, ठीक। अब देखो क्या क्या आ गया जी, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, अभी बताना है हमको। हाँ, कौन कौन सा आया जरा सा हमको बताना, कौन कौन सा आया बताओ? एक का बोरोन था, बोलो जी, एक का एक का बोरोन, बोरोन एक का बोरोन की जगह कौन गया? स्कैंडियम। स्कैंडियम इसको, और इसका और होता है एक का बोरोन का, बोरोन एल्यूमिनियम का होता है बी, ठीक है, और स्कैंडियम का होता है ST, ठीक है। उसके बाद बताओ, एक का एक का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका होता है AL। और इसमें कौन सा वाला? गैलियम इसमें कौन? गैलियम गैलियम का सिलिकॉन जी। एक का उसके बाद सिलिकॉन एक का सिलिकॉन एक का एक का सिलिकॉन जर्मेनियम 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 का होता है SI। और ये क्या बना? जर्मेनियम जी, ठीक है। चलो, तो और कुछ है क्या? और कुछ बचा? यही है, केवल तीन ही है। मोनेबडेलम भी होगा, ठीक है। चलो देखो जरा सा, इसमें नहीं दिया हुआ है तुम्हारा, कुछ पार्ट को कम कर दिया है इसने। केवल किसको किसको दिया है? एक का एल्मुनियम, एक का गैलियम, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम, ठीक है। कोई बात, चलो ठीक। और भी है इसमें, लेकिन इसने दिया नहीं है। मोनेबडेलम भी तुम्हारा होता है, उसका भी है, इसने मेंशन नहीं किया। चलो कोई बात,
तो यहाँ पे अब हम लोग मेरिट्स की बात करें, ठीक है, और क्या इसमें पॉइंट्स दिया है, तो बोलता अगेन इन द ऑर्डर श्योर दैट एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज फिल सम वर्टिकल कॉलम मेंडलिफ्स प्लेस फ्यू एलिमेंट्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने क्या किया कि प्रॉपर्टीज सिमिलर रखने के चक्कर में, प्रॉपर्टीज सिमिलर रखने के चक्कर में वो किस तरीके से बोला था, हम किस तरीके से सजा रहे हैं, तो बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे हम सजा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे जब हम सजा रहे हैं तो उसका क्या रहेगा, आपका प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, ऐसा उसने कहा था। लेकिन प्रॉपर्टीज सेम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या किया, उसने रॉन्ग ऑर्डर कर दिया, यानी कि इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया। तो क्या इसने भाई गलत कर दिया, तो जैसे कि मेंडिस प्लेस्ड कोबाल्ट हैविंग अ हायर एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का कितना होता है 58.9 एटॉमिक मास, ठीक है, बिफोर निकेल, जबकि निकेल का होता है 58.7। तो पहले किसको आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था किसको, निकेल को, और देना आना चाहिए था कोबाल्ट को, तो यहाँ पे गलत कर दिया। उसके बाद कुड बी सेम कॉलम एज रोडियम, ठीक है, विच इज क्लोजली रिसेम्बल इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका प्रॉपर्टीज मैच करता था। तो ये थोड़ा सा जो है इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। यहाँ इसके टेबल में भी देख सकते हो थोड़ा सा, देखो यहाँ से देखो, सबसे आयरन तो चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ये 9 बाद में होना चाहिए था और 7 पहले होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 6, चलो ये वाला तो चलो समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये ऐसा इसमें था, ठीक। और उसके बाद यदि हम लोग चले जाएं मेरिट्स की ओर, तो मेरिट्स में, अच्छा सुनो जी, अभी जो है ना हम दोबारा लिंक भेजते हैं, क्योंकि ये टाइम आउट बताएगा आप, ठीक है, 40 मिनट हो जाने के बाद टाइम आउट होता है। तो हम एक काम करते हैं, अभी 4 मिनट और चलने देते हैं वीडियो, जब भी अचानक से बंद होगा हम तुरंत लिंक भेजेंगे। ये मेंडलिफ्स वाला आज खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो उतना हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो देखेंगे अभी फिलहाल, तो क्या बोलता है पहला मेरिट्स, क्या बोलता है इसका, कहता है कि मेंडलिफ्स प्रेडिक्ट लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स हैड नॉट बी डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो सही बात है, पढ़ भी लिए यहाँ पे कि मेंडलिफ्स जो है वो क्या कर किया था, उसने कुछ अलग से एलिमेंट्स के नाम बताए थे जो उस समय अभी भी डिस्कवर में आए भी नहीं थे, और उसका प्रॉपर्टी भी उसने सेम बताया था। दूसरा बात क्या कि मेंडलिफ्स प्रेडिक्टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द प्रेडिक्टेबल। और जो 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 एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि ये भविष्य में आएंगे, उनके प्रॉपर्टी के बारे में ही में भी पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था मेंडलिफ्स ने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो एक का एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड था और गैलियम जो था वो एक्चुअल आया था। तो इसने प्रिडिक्ट क्या किया था, एटॉमिक मास 68, डेंसिटी 5.9, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ESCl हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड Ea2O2 हो जाएगा, और सेम चीज जो है वो मैच किया, ये 68 के जगह 69.7 गया, इतना तो भाई करना मांगता है, ठीक है। 5.9 के जगह 5.94 गया, लो बोला था ये भी लो ही आया, ठीक है। और ESCl3 तो GaCl3 बना, Ea2O3 तो GA2O3 बना। तो ये बेसिकली क्या हो गया था, मेंडलिफ्स का बहुत ही बड़ा एक तरह से मेरिट आया था। उसके बाद इसने क्या 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 किया था कि मेंडलिफ्स टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैस व्हेन दे वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है। मेंडलिफ्स टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैस, अब बताए थे ना जो रामसे नाम के साइंटिस्ट थे, तो उसने ही एक बना करके रखा था, दैट इज कॉल्ड जीरोथ ग्रुप। और उसने फिर जब आया नोबल गैस तो उसमें इसको जगह मिल गया यहाँ पे, ठीक। द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टेड, ये अनरिएक्टेड था, जीरोथ ग्रुप में गया। यदि हम इसका लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में क्या बोलता है कि पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एटोमिक मास से जा रहे हैं तो एटोमिक मास से जा रहे हैं तो हमको आइसोटोप्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आइसोटोप्स भी क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो अपने को आइसोटोप्स भी इसमें शामिल करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, यदि आप एटॉमिक मास से सजा रहे हैं तो। लेकिन उसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो ये एक जो है वो उनका ड्रॉबैक आ गया था। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन 17 भी होता है, सॉरी क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है एटॉमिक मास उसका नहीं, हाइड्रोजन 1, 2, 3 तीनों मास के होते हैं वो भी नहीं था। उसके बाद क्या यहाँ पे किया था, तो उसके बाद हुआ था यहाँ पे रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट, ये तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कुछ का एटॉमिक मास जो था वो गलत था आपका। उसके बाद
तीसरा जो है अ करेक्ट पोजिशन कुड नॉट असाइन बाय हाइड्रोजन ऑफ द प्रेडिक्टेबल, हाइड्रोजन का जो है वो गलत जो प्लेस है वो था, ठीक है, गलत प्लेस कैसे, तो यहाँ पे हम फिर से बताएंगे अपने पास, ठीक है, सबको ये दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है व्हाइट वाला? हाँ सर, हाँ सर। तो देखो हाइड्रोजन जो था ना उसका एटॉमिक नंबर कितना था, वन था, ठीक है, एटॉमिक नंबर वन था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यदि हम बाहर निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा, एच प्लस, ठीक, और यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें तो ये किस में बन जाएगा, ये टू बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू, यानी कि ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, डबलेट का, ठीक है, यानी कि नोबल नोबल गैस, ठीक है, गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, टू आते हैं डबलेट बनते हैं, क्या बन जाएगा, स्टेबल। तो ये दो तरीके से फिक्स हो गया, एक तो ग्रुप नंबर वन के तरह और एक तो ग्रुप नंबर के तरह, कल भी बताए थे, ठीक है, अब एक मिनट ही हम लोग के पास टाइम बचा है, कभी भी ये बंद हो सकता है। तो ग्रुप वन कैसे, तो ग्रुप वन वाला जो सोडियम होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, Na+, ठीक है, तो वो जस्ट लाइक कैसे, जो ये वाला बन रहा था वैसे। और ग्रुप 17 में जैसे कि क्लोरीन होता है तो क्लोरीन का दो